ट्रेन बंद, बस बंद, हर तरह की सवारी गाड़ी बंद, सड़कें सुनसान। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए देही इलाकों के लोगों को जरूरी खदमात से जुड़ी जरूरत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 71 साल के बुजुर्ग ने अहलिया की दवाई के लिए 70 किलोमीटर की दूरी घोड़े से तय की। ये है 70 साल के पठान साहब। इनकी बेगम मुमताज बीमार हैं। डॉक्टरों ने जो दवाई लिखी है वो गांव के मेडिकल स्टोर में नहीं मिली। दवाई जरूरी थी इसलिए घुड़सवारी करके पहुंच गए 70 किलोमीटर दूर शहर में। जी हाँ, मीर अजीमुद्दीन पठान की 67 साल की बीवी, जिनका नाम मुमताज है, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। उनकी दवाई लेना बेहद जरूरी था। पठान साहब के गांव दर्शनाल में दवाई नहीं मिली। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां बंद थी इसलिए पठान साहब ने घुड़सवारी का फैसला किया। घोड़े पर सवार होकर सुबह 8 बजे निकले। 2 घंटे घुड़सवारी करके सुबह 10 बजे सोलापुर पहुंच गए। शहर में पुलिस ने पूछताछ भी की, यहां तक के बुजुर्ग को नाश्ता भी कराया, मेडिकल स्टोर जाने के लिए मदद भी की। गाँव कुठलं तुमचं? दर्शना अक्कलकोट तालुका। अक्कलकोट तालुका कधी निघालो? सकाळी 8 वाजता निघालो। इथं आलो किती? इथं आलो 10 वाजता आलो। आता परत घरी? आता किती वाजता पोहोचतो? अहलिया की दवाइयां लेकर मीर पठान वापस गांव चले गए। उन्होंने अपनी अहलिया मुमताज के लिए मोहब्बत के एक अटूट बंधन की मिसाल कायम की। तो दूसरे जाने मुल्क के ही एक दूसरे हिस्से बिहार में एक वालिद अपने बेटे को वापस घर लेने के लिए टूटी फूटी साइकिल की सवारी कर रहे हैं। इनका नाम है मुश्किल ऋषिदेव। जैसा नाम वैसा काम। मुश्किल ऋषिदेव बेहद मुश्किल काम को अंजाम दे रहे हैं। ऋषिदेव नेपाल सरहद से मुतसिल बिहार के अररिया जिले में अपने घर से मगरबी बंगाल के दुर्गापुर के लिए साइकिल से निकल पड़े हैं। इनका 12 साल का बेटा लॉकडाउन की वजह से दुर्गापुर में ही फंस गया है। बेटा वहां पर मजदूरी करता है। अररिया से दुर्गापुर की दूरी करीब 380 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर साइकिल चलाकर मगरबी बंगाल के दिनाजपुर के राजगंज तक पहुँच चुके हैं। साइकिल पर एक छोटे से पैकेट में सूखे चावल का मुरमुरा रखा है जिसे खाकर ये वालिद साइकिल पर सफर कर रहे हैं। एक पतला कंबल और छोटी सी चटाई भी है जिस पर सोकर रायगंज में रात गुजारी। पीर सुबह उठकर फिर दुर्गापुर के लिए रवाना हो गए। ऋषिदेव के सफर में इनका एक रिश्तेदार भी है। आपका घर कहाँ है? खोड़ागांव जिला अररिया है। खोड़ागांव टप्पू टोला है घर मेरा। वहाँ से कैसे आए आप लोग? साइकिल से आए हैं सर। कहाँ तक जाना है आप लोग पता है? आप लोग नहीं, ये मालूम नहीं है कि कितना दूर है, ये मालूम नहीं है। जगह का नाम? जगह का नाम है दुर्गापुर कलकत्ता। अच्छा, हाँ। वहाँ लड़का कैसे पहुँच गया? वो 5 आदमी के साथ आ रहा था। 3 आदमी एक साइड हो गया, 2 आदमी एक साइड हो गया। 200 किलोमीटर तक चल चुके हैं। 180 किलोमीटर और साइकिल चलानी है, उसके बाद ही बाप बेटे का मिलन हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।